हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू चैनल। और ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रैक्टल बिटकॉइन की। तो फ्रैक्टल बिटकॉइन बेसिकली एक स्केलिंग सॉल्यूशन है बिटकॉइन पे, जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, प्रॉबेबली इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा। इनका टेस्टनेट चल रहा है। और ये आपने अगर आप बिटकॉइन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। 2023 में आपको पता है लास्ट ईयर अपना ऑर्डिनल्स लॉन्च हुआ था, राइट? BRC20 टोकन्स, बहुत सारे BRC20 टोकन्स ने 100x 1000x किया था। कुछ दिनों पहले मैंने रूनस की बात किया था, रूनस लॉन्च हुआ तो रूनस को भी सबको काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि वैसा परफॉर्म करेगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। जो नेक्स्ट है ये फ्रैक्टल बिटकॉइन है। फ्रैक्टल बिटकॉइन बेसिकली ये एक स्केलिंग सॉल्यूशन है, अगर आप इनकी मेन की साइट पर जाता हूँ। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्टल बिटकॉइन क्या है उसके बारे में बताऊँगा, और उसके बाद फ्रैक्टल बिटकॉइन का हम लोग जो टेस्टनेट है वो ट्राई करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो इनका टोकन होगा नेटिव टोकन उसका नाम होगा FB। ओके, FB टोकन, फ्रैक्टल बिटकॉइन टोकन, FB टोकन। तो हो सकता है ये एयरड्रॉप हो, पोटेंशियली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं हुआ है। तो हम लोग इसका टेस्टनेट ट्राई करेंगे फ्रैक्टल बिटकॉइन का, और उसके बाद कुछ मैं प्रोजेक्ट बताऊँगा जो फ्रैक्टल बिटकॉइन पर जो डिप्लॉय हो रहे हैं, कुछ टोकन्स हैं जिन पे आप नज़र रख सकते हो। जैसे अगर फ्रैक्टल बिटकॉइन लॉन्च होता है तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी देखो प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है ना तभी वो उसकी तभी उसके ऊपर हाइप रहती है, न्यूज़ रहता है, सबका अटेंशन रहता है, तभी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट? एंड बाद में डप होते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है उस पर नज़र आपकी पहले से ही होनी चाहिए, आपके रिसर्च पहले से ही होना चाहिए, आपकी तैयारी पहले से ही होना चाहिए, एंड जैसे ही वो लॉन्च होता है ताकि आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सको। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया फ्रैक्टल बिटकॉइन क्या है, ये एक स्केलिंग सॉल्यूशन है। इनके साइट पे जाते हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखो, द ओनली नेटिव स्केलिंग सॉल्यूशन कंप्लीटली एंड इंस्टेंटली कंपैटिबल विद बिटकॉइन। नाउ स्केलिंग सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं कि कोई लेयर टू है, ये कोई लेयर टू नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं दे आर नेटिव बिटकॉइन, स्केलिंग बिटकॉइन विद बिटकॉइन, राइट? एंड बेसिकली यहाँ पे ऐसा भी होगा कि मर्ज माइनिंग होगी, तो जो लोग बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं वो लोग FB टोकन भी माइन कर पाएंगे, फ्रैक्टल बिटकॉइन, राइट? सो ये बेसिकली नेटिव स्केलिंग हो रही है यहाँ पे। फ्रैक्टल वॉज कंसीव्ड एज अ वे टू ईज नेटवर्क कंजेशन ऑन बिटकॉइन। नेटवर्क की बहुत ज़्यादा है, राइट? ट्रांजेक्शन जाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो ये सब जो भी प्रॉब्लम है वो फ्रैक्टल बिटकॉइन सॉल्व करने को देख रहा है। तो बिल्ड ऑन फ्रैक्टल, सो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं एक्चुअली वो फ्रैक्टल पे डिप्लॉय करेंगे ताकि उनकी ट्रांजेक्शन स्पीड ज़्यादा हो जाए एंड ऑल। तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहली बात क्या करने जा रहे हैं, जैसे बोल रहा हूँ, ओके, तो हम लोग इस पर इसका टेस्टनेट ट्राई करेंगे। टेस्टनेट ट्राई करने के पहले आपको लगेगा यूनिसैट वॉलेट। नाउ ऑफकोर्स अगर आपके पास, अगर आप ऑर्डिनल्स में थे, BRC20 में थे या फिर रूम्स में थे, तो आपके पास ऑलरेडी यूनिसैट होगा, राइट? नाउ यूनिसैट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपके पास ऑलरेडी होगा। तो आप इस पर लॉग इन करोगे, ओके, एंड सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करोगे, मेक श्योर करना कि इसका लेटेस्ट वर्जन है, ओके? तो यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे कुछ फ्रैक्टल बिटकॉइन का फॉसेट मंगाया है, बट उसके पहले आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, ठीक है? जो अपना यूनिसैट वॉलेट है ना वहाँ पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे मैनेज एक्सटेंशन में जाओगे और यहाँ पे अपडेट करोगे। ये अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, मेक श्योर करना कि ये 1.4.5 वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन आपको यूनिसैट का होना चाहिए, राइट? उसके बाद एक बार आपने, अगर आपके पास यूनिसैट नहीं है तो पहले यूनिसैट वॉलेट डाउनलोड कर लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूनिसैट वॉलेट बिटकॉइन के लिए वॉलेट है। नाउ लेट्स से यहाँ पे आपने खोल दिया, अब यहाँ पे क्या करोगे, यूनिसैट आपके पास इंस्टॉल हो गया, आपने सीट पे संभाल लिया, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपका अपडेट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करोगे राइट हैंड साइड में और ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट नेटवर्क का ऑप्शन है, बिटकॉइन मेननेट, बिटकॉइन टेस्टनेट एंड यहाँ पे फ्रैक्टल बिटकॉइन टेस्टनेट। तो यहाँ पे मेक श्योर करना कि ये मेननेट पे नहीं है, फ्रैक्टल बिटकॉइन टेस्टनेट। जैसे आप मेटामास्क में नेटवर्क चेंज करते हो वैसे ही यहाँ पे भी नेटवर्क चेंज करना। तो आपने ये नेटवर्क मैंने चेंज कर दिया। अब टोकन्स, फॉसेट, ओके, तो फॉसेट टोकन मंगाएंगे। तो यहाँ पे इनका एक साइट है, राइट? एंड फॉसेट, ओके, तो एक्सप्लोर पे जाओगे, explorer.bitcoin.com, और यहाँ पे फॉसेट पे क्लिक करोगे,
तो फ्रैक्टल बिटकॉइन फॉसेट ये वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मेननेट है और टेस्टनेट है, तो मेननेट तो अभी आया ही नहीं है, बिटकॉइन मेननेट इज कमिंग फ्रैक्टल, तो अपने को यहाँ पे टेस्टनेट पे आना। आपने जैसे टेस्टनेट पे क्लिक किया आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में फॉसेट का ऑप्शन आएगा, फॉसेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका जो एड्रेस है यूनिसैट का एड्रेस ये कॉपी करोगे, ये वाला देखो अपने फॉसेट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे टेस्टनेट सेलेक्ट कर लिया ना, तो ये एड्रेस आएगा, ये वाला एड्रेस कॉपी करोगे, फॉसेट में डालते हैं इसको एंड कुछ टोकन्स मंगा लेते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ मंगाया है, आपने देख सकते हो क्लेम, ठीक है, क्लेम सक्सेसफुल 0.002 TFB टोकन आ गया मेरे को, ठीक है। ओके अब मेरा बैलेंस यहाँ पे बढ़ गया होगा, ये देखो हाँ 0.003 हो गया, पहले 0.001 था। नाउ एवरी 5 घंटे में आप फॉसेट टोकन मंगा सकते हो, तो ये फिलहाल हो गया। नाउ अपने को क्या करना है, अब यहाँ पे जाना है राइट, एंड fractal.unisort.io पे जाओगे, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ पे इंस्क्राइब पे क्लिक करोगे, ठीक है, इंस्क्राइब। तो जैसे हम लोग टोकन ऑर्डिनल्स पे BRC20 टोकन ऑर्डी ये सब मिंट करते थे राइट, और डिप्लॉय करते थे फोर कलेक्टर्स, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो एक बार क्लिक करते हैं इसको, अब यहाँ पे इंस्क्राइब पे जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आएगा BRC20 फाइल्स टेक्स्ट राइट, तो यहाँ पे हम लोग BRC20 टोकन कुछ यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, मिंट नहीं करेंगे डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है 6 to 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, यहाँ पे देख रहे हो 6 to 12 कैरेक्टर का राइट, तो मैं ट्रेनर्स ओके 6 to 8 कैरेक्टर्स ट्रेनर्स हो गया, डिप्लॉय मैक्स 21 मिलियन रखता हूँ एंड लिमिट पर मिंट मिनिमम 1000, इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ, ये सब ऐसे रहेगा। एंड मैं इसको कुछ भी नाम ले सकते हो, 6 to 12 कैरेक्टर्स रहेगा रहना चाहिए राइट। एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट अंडरस्टैंड राइट, और ये डिप्लॉय हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनर्स जो टिकर है टोकन है वो हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं फ्रैक्टल बिटकॉइन के टेस्टनेट पे। ओके इससे क्या होगा कि सबमिट एंड पे इनवॉइस, सो यहाँ पे देखो 5000 सैट्स लग रहा है राइट, बट अगेन ये अपना फॉसेट वाला है। प्रोवाइड एड्रेस, तो प्रोवाइड एड्रेस अपना ही एड्रेस यहाँ पे डाल लेते हैं, मैंने ऑलरेडी प्ले डाला था, तो बेसिकली यहाँ पे एक जो एड्रेस है ना आपका ये वाला एड्रेस, यही वाला कॉपी पेस्ट कर लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट करना पे विद वॉलेट, मतलब आपका जो आपने फॉसेट टोकन मंगाया उसी से आप पे कर रहे हो उसको, कन्फर्म, तो ये कन्फर्म लिखने को बोल रहा है, कन्फर्म एंड डन इंस्क्राइबिंग ऑर्डर। एक बार ये होने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये ट्रेनर्स जो टोकन है एक्चुअली डिप्लॉय हो गया कि नहीं, देखो ये कन्फर्मेशन इंस्क्राइबिंग वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन 0 कन्फर्म्ड, तो यहाँ पे कन्फर्म्ड आएगा कुछ देर में। ओके तो यहाँ पे हम लोग आप चेक करते हैं ये डिप्लॉय हो गया कि नहीं, तो इंस्क्राइब कर लिया हम लोग ने ट्रेनर्स टोकन जो था, अब इसको हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या नाम था, ट्रेनर्स राइट, इसको सर्च करते हैं एंड ये देखो ट्रेनर्स आ गया है, डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी डिप्लॉय हो गया राइट। यहाँ पे अनकन्फर्म दिखा रहा है बट क्योंकि अभी भी वो लोग का कन्फर्मेशन चालू है, बट यहाँ पे डिप्लॉय हो गया है ऑलरेडी राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे आप मिंट, तो कोई भी एक्चुअली मिंट कर सकता है, एक बार आपने टोकन यहाँ पे इंस्क्राइब कर दिया तो कोई भी मिंट कर सकता है राइट। तो हम खुद यहाँ पे मिंट करके देखते हैं, तो मिनिमम 1000 यहाँ पे मिंट करके देखते हैं, द डिप्लॉय इंस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेनर्स हैज नॉट बीन कन्फर्म, हाँ तो ये कन्फर्म नहीं हुआ एक्चुअली, मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, अभी तक इसकी कन्फर्मेशन आया नहीं है, ये देखो यहाँ पे अनकन्फर्म दिखा रहा है। बट एक बार कन्फर्म होने के बाद यहाँ पे मिंट डायरेक्टली कर लेना आप, ये कर लेना, मैं अभी फिलहाल नहीं करूँगा, एक बार होने के बाद मैं इसको मिंट कर लूँगा। तो आपको यही डिप्लॉय करना है, इंस्क्राइब करना है एंड मिंट करना है, ये होने के बाद आपका टेस्टनेट ट्राई करके हो गया। अब खाली आपको फ्रैक्टल बिटकॉइन के मेन नेट का इंतज़ार करना है, तो यहाँ पे इनको फॉलो कर सकते हो या फिर इनका जो ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे इनका ट्विटर हैंडल मैं डाल दूंगा एक्चुअली। एंड बाय द वे मैंने आपको बताया नहीं, ये एक्चुअली यूनिसैट टीम भी बिल्ड कर रही है, ये जो फ्रैक्टल बिटकॉइन है ना ये यूनिसैट टीम ही बिल्ड कर रही है, और आपको पता है यूनिसैट टीम ने बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी बिल्ड किए हैं, मार्केट प्लेसेस, BRC20 वॉलेट, तो आई थिंक आपको थोड़ा इनको सीरियसली लेना चाहिए। अगर यूनिसैट टीम बना रहा है मतलब ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ पोटेंशियली स्ट्रांग प्रोजेक्ट बना रहा है।
तो डेफिनेटली आप यूनिसैट को फॉलो करो। एक्चुअली इनका फ्रैक्टल बिटकॉइन का भी एक पेज होगा जिसका मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, मेरे को अभी मिल नहीं रहा यहाँ पे, बट फ्रैक्टल बिटकॉइन का भी यहाँ पे ट्विटर होना चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे फ्रैक्टल बिटकॉइन का ट्विटर है, तो आप इनको भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और सारी अपडेट यहाँ पे आएगा। ओके, इंपॉर्टेंट नोटिस अबाउट एक्टिविटीज़, फ्रैक्टल बिटकॉइन, एंड ऑफ ट्वीट, राइट। सो इनको फॉलो करो यहाँ पे, जब लॉन्च होगा तो आपको मिनट यहीं से मालूम पड़ेगा। नाउ अब बात करते हैं कि इनके ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इनस्क्राइब डिप्लॉयमेंट हो गया, वेट फॉर लॉन्च, यस। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में सो बहुत सारे जैसे डीफाई प्रोजेक्ट होते हैं, गेमिंग प्रोजेक्ट होते हैं, राइट। सैट्स पम्प डॉट फन, मालूम है वो पम्प डॉट फन जो सोलाना पे चल रहा था, वैसे यहाँ पे भी लोग लॉन्च करने रहे हैं। अगेन ये सब सारा टेस्टनेट पे है। तो कुछ प्रोजेक्ट देखते हैं। तो देखो एक एक प्रोजेक्ट ये बना रहा है, होन्जो मोमो। ओके, होन्जो मोमो क्या है बेसिकली? होन्जो मोमो बोल रहा है द फर्स्ट ऑर्डिनल ऑन फ्रैक्टल बिटकॉइन, राइट। सो इनका जो टोकन है, ये लोग बोल रहे हैं फर्स्ट टोकन है। नाउ बहुत मुश्किल होगा जानना कि कौन फर्स्ट है कौन सेकेंड है, बट आप इनको ट्रैक रखो। तो ये देखो इस होन्जो मोमो को ऑलरेडी 14,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इस पे आप नज़र रख सकते हो कि कब इनका टोकन लॉन्च होगा। मेननेट के ऊपर इनकी कम्युनिटी को फॉलो कर सकते हो, इनके डिस्कोर्ड डिस्कोर्ड ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं होन्जो मोमो ज्वाइंस द वर्ल्ड टू डेवलप टू मूव फॉरवर्ड फॉर बिटकॉइन। तो इस टोकन पे आप डेफिनेट नज़र रखना होन्जो मोमो करके, क्योंकि इनकी फॉलोइंग काफ़ी बड़ी लग रही है, कम्युनिटी बड़ी लग रही है। जो दूसरा प्रोजेक्ट है, ये मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे तीन प्रोजेक्ट आपको एग्जाम्पल के लिए उठाया। अब यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स एक गेमिंग प्रोजेक्ट है, राइट। तो ये लोग भी फ्रैक्टल बिटकॉइन पे डिप्लॉय करेंगे, एम्पावर योर वर्ल्ड विद सॉवरेन क्रिप्टो एसेट्स। ओके, तो ये एक टोकन प्रोजेक्ट है। इनकी एक्चुअली एनएफटी भी ऑलरेडी बिक रही है मैजिक ईडन पे। आप जाओगे तो यहाँ पे यूनिवर्ल्ड की एनएफटी बिका। तो बेसिकली जो इनके पास भी ये एनएफटी होगी, उनको कुछ टोकन्स एयर ड्रॉप होंगे, यूजली यही होता है। तो ये थोड़ा रिस्की है, बट 0.0021 का ये, 2.9 का ये एनएफटी है, तो आई एम नॉट श्योर बाय करना चाहिए कि नहीं, हो सकता है प्रॉफिटेबल नहीं भी हो सकता। सो ये दो प्रोजेक्ट हो गए। और एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल मैं दे दूँ, ये जो सैट्स जो आपको बता रहा है मीम कॉइन का, आई डोंट थिंक कि बिटकॉइन के ऊपर ये मीम कॉइन उतना पावरफुल होगा, क्योंकि आई थिंक ये जो पम्प फन है उसको सोलाना ट्रॉन के लिए अच्छा होता है। नॉट श्योर ये बिटकॉइन पे भी सैट्स फन चलेगा, बट मैं आपको यहाँ पे ये लोग भी लॉन्च कर रहे हैं सैट्स फन डॉट फन। तो बेसिकली ये जहाँ पे होगा कोई भी यहाँ पे लाइक टोकन टिकट लॉन्च करेगा, इंस्क्राइब करेगा, और फिर 84,000 100,000 लिक्विडिटी होने के बाद ये मीम कॉइन ट्रेड होना चालू हो जाएगा, फास्ट ब्लॉक कॉन्फर्मेशन, राइट। तो ऐसा कुछ है। तो ये कुछ तीन है, और भी एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, बट सबसे पहली बात आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट कि आप फ्रैक्टल बिटकॉइन पे ही के मेननेट पे ही लॉन्च रखो, इनका टेस्टनेट ट्राई कर लो, हो सकता है आपको एयर ड्रॉप मिले। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग एयर ड्रॉप उनको करें जिनके पास ऑर्डिनल्स हों, या फिर जो पहले वाले टोकन्स हो बीआरसी उनको एयर ड्रॉप करें, या फिर रूम्स हों उनको एयर ड्रॉप करें, या फिर हो सकता है जो भी जिन्होंने भी टेस्टनेट ट्राई किया सबको एयर ड्रॉप करें। तो इट ऑल डिपेंड्स, बट टेस्टनेट ट्राई कर सकते हो, एयर ड्रॉप मिला है तो, नहीं मिला, नहीं मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। बट एटलीस्ट फ्राई FB टोकन जब लॉन्च होगा उस उनके उनकी प्राइस पे नज़र रखना, और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनके टोकन्स पे नज़र रखना कि वो परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। तो ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे मैंने बोला, डोंट अंडर एस्टिमेट यूनिसैट टीम, क्योंकि यूनिसैट टीम बहुत ही स्ट्रांग है। ओवर द लास्ट 1 ईयर इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और फ्रैक्टल बिटकॉइन भी एक पोटेंशियली अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है, काफ़ी लोग इसके इसको फॉलो कर रहे हैं। लेट मी नो द कमेंट बॉक्स बिलो अगर आप इसका टेस्ट नहीं ट्राई कर रहे हो, या फिर कोई क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लाइक दबा देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।